बड़ी खबर सामने आ रही है रामपुर से, जहां पर आजम खान को जमानत मिली है। 3 साल की सजा मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है। अभी थोड़ी ही देर पहले सजा मिली थी और अब जमानत मिलने की बात सामने आ रही है आजम खान को। रामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमानत मिल गई है, 3 साल के सजा मामले में जमानत मिली। अभी कुछ ही मिनटों पहले सजा सामने आई। मिल सकती है, क्या विधायकी भी खतरे में है? ऐसा है कि 2 वर्ष से ज़्यादा सजा होने के बाद तो खतरा विधायकी पर पड़ता ही है। तो उसमें क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस तो जो नियम होता है, हम लोग अभियोजन है, न्यायालय कार्यों को बेहतर जानते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम चुनाव आयोग से संबंधित है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो आगे प्रोसीजर में आएंगी। टोटल कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है। जुर्माना? और जुर्माना 2000 तीनों मामलों में है। 2000 तीनों मामलों में? हाँ, तीनों धाराओं में। तो इसका टोटल हो जाएगा? टोटल, हाँ, जुर्माना तो टोटल हो जाएगा, लेकिन सजाएं कंकरेंटली रन करेंगी तो 3 साल ही सजा हो। आपका नाम और पता? मेरा नाम SP पांडे है, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इंचार्ज रामपुर। और हमारी ये टीम है, मौर्या जी हैं, अभियोजन अधिकारी तिवारी जी हैं और सब लोग हैं यहाँ से। अभियोजन संभर की टीम में ही इस मामले को पूरी तरह से पैरवी करके इस अंजाम तक पहुँचाया। आजम खान ने 2019 में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ था, वो संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने खाता नगलिया ग्राम में उन्होंने भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच दिया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जो तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, एक संवैधानिक संस्था और अन्य तथ्यों को समाहित करते हुए उन्होंने 7/4/2019 को उन्होंने हेट स्पीच दी थी। और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए MP MLA कोर्ट ACGM प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2000 रुपये जुर्माना, 505(1)(b) IPC में 3 वर्ष और 2000 रुपये जुर्माना तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 वर्ष की सजा और 2000 रुपया जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ साथ चलने का उन्होंने अपने दंडादेश में अंकन किया हुआ है।